दोस्तों, अगर आप लोगों को 50,000 का लोन यहाँ पर चाहिए, बार बार रिजेक्ट हो रहा है ना आप लोगों का लोन, नहीं मिल रहा है, तो ये देख पा रहे हैं यहाँ पर लाइव प्रूफ कि क्रेडिट जो है अमाउंट 50,000 हुआ है, रिपे इन 31 डेज दिख रहा है। अब रिपेमेंट का अमाउंट आप लोग देख सकते हो यहाँ पर 9,077 रुपए आ रहा है, पे नाउ का भी ऑप्शन आ चुका है। ठीक है, कांग्रेचुलेशन, यू हैव सक्सेसफुली डिसबर्स द अमाउंट इनटू योर बैंक अकाउंट, भी ऑप्शन आ चुका है। अब ये जो भी है आप लोगों को लोन एप्लीकेशन देखने को मिल रहा है, ये बीटा वर्जन का है, अभी के टाइम में 2024 का ये लेटेस्ट अपडेट है, एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन है जो कि आप लोगों को अभी के टाइम में लोन प्रोवाइड करेगा। अगर आपका सिबिल कम है, अगर आप डिफॉल्टर हो, फिर भी आप लोगों को लोन प्रोवाइड करेगा, लेकिन यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, मतलब कुछ डॉक्यूमेंट, मतलब वैसा कुछ डॉक्यूमेंट नहीं, बस आधार कार्ड पैन कार्ड होना चाहिए और कुछ चीजें जो कि मैंने वीडियो के अंदर बता दिया है, आप लोग ध्यान से वीडियो को देखना, अप्लाई करना, डेफिनेटली आप लोगों को इससे पैसा मिलेगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को लाइव दिखाया कि 50,000 का लोन यहाँ पर अप्रूवल हुआ है। ठीक है, बाकी का डिटेल्स आप लोगों को जो है पूरा देखने को मिलेगा कि 50,000 का जो है यहाँ पर 54,000 आप लोगों को पेमेंट करना पड़ेगा, फुल रिपेमेंट अगर करना है तो वीडियो पूरा देखना, उसके बाद अप्लाई करना। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एक जबरदस्त लोन एप्लीकेशन लाया हूं। 50,000 का लोन आप लोगों को अगर चाहिए तो ये लोन कंपनी आप लोगों को लोन प्रोवाइड कर सकता है। ये मैंने अप्लाई नहीं किया था, ये एक सब्सक्राइबर दोस्त ने अप्लाई किया था, उनको मिला है, हाल ही फिलहाल मिला है, और उसने जो है यहाँ पर मुझे प्रूफ भेजा है, बोला कि भाई इसके ऊपर वीडियो बना दो, तो लगा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दो ताकि आप लोग अगर अप्लाई करोगे तो आप लोगों को भी लोन मिल जाएगा इससे। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर लाइव प्रूफ देख सकते हो कांग्रेचुलेशन का पेज की, आप लोगों का जो भी अमाउंट है वो डिसबर्स होने वाला है या फिर होने हो चुका है सक्सेसफुली। क्रेडिट अमाउंट जो आप लोग देख सकते हो 50,000 का अमाउंट है, 31 दिन के बाद जो है आप लोगों को रिपेमेंट करना होगा पहला वाला। ठीक है, आप रिपेमेंट अमाउंट आप लोग देख सकते हो 9,000 करके ईएमआई बन रहा है। ठीक है, तो पे नाउ जैसे क्लिक करोगे तो ये अमाउंट आप पे कर सकते हो इस जगह से। ठीक है, अब ये लोग लोन कंपनी कौन सा है जो कि आप लोगों को लोन प्रोवाइड कर सकता है, तो वो मैं आप लोगों को डिटेल वाइज बताऊंगा, लेकिन डिटेल वाइज बताने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट मैं करना चाहता हूं, अगर आप लोग नए हो, अभी तक सब्सक्राइब बटन प्रेस नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे क्या होगा जो भी नोटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करोगे इंस्टेंटली आपको नोटिफिकेशन पर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को प्ले स्टोर पे लेके चलता हूँ। प्ले स्टोर पे आप लोग देख पा रहे हो इस एप्लीकेशन का जो है रिव्यू देखे, रेटिंग 4.5, मतलब जबरदस्त रेटिंग आप लोग बोल सकते हो इसमें। 10 मिलियन प्लस डाउनलोड ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है, जैसे क्लिक करोगे तो आप लोग देख पा रहे हो इंस्टॉल करते ही कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। सबसे पहले आप लोगों को मोबाइल नंबर पे लॉगिन करने के लिए बोला जाता है, तो मोबाइल नंबर जो भी होगा वो आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक होना चाहिए, वो वाला नंबर आप डाल के आप कंटिन्यू करना। जैसे कंटिन्यू करोगे तो आप लोगों के मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, तो ओटीपी आप लोगों को जो भी बॉक्सेस देखने को मिल रहा है इसमें आप लोगों को डालना होगा और कंटिन्यू करना पड़ेगा। जैसे कंटिन्यू करोगे तो आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर एसएमएस लोकेशन जो भी है आप लोगों से परमिशन लेगा और चेकबॉक्स को चेक करके आप लोग यहाँ पर रीड एंड एक्सेप्ट कर दीजिएगा। जैसे एक्सेप्ट करेंगे तो आप लोगों का परमिशन पूछे, मतलब फोन का परमिशन लेगा, जो भी आप लोग एक्सेस दिए हो एक एक करके आप लोगों को अलाउ करना होगा। ये दोनों जो है ऑप्शन देखने को मिल रहा है, ये दोनों में से कोई भी एक चूज कर सकते हो। तीसरा वाला डोंट अलाउ कभी चूज मत करिएगा, नहीं तो एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगा, बाद में अप्लाई करने जाओगे तो भी रिजेक्शन हो जाएगा, तो ये ध्यान में रखिए। ठीक है, तो जितने भी परमिशन मांग रहे सब कुछ आप अलाउ कर दीजिएगा। अब यहाँ पर आप लोगों को कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा डैशबोर्ड में कि आप लोगों को 30,000 का जो है इंस्टेंट डिसबर्समेंट मिलने वाला है, यहाँ पर 2 साल के लिए यहाँ पर होगा, तो गेट इंस्टेंट लोन का ऑप्शन है, इसको आपको क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करोगे तो आप लोगों से आपका पैन कार्ड का डिटेल्स मांगेगा, तो पैन कार्ड में यहाँ पर आप लोगों का पैन कार्ड का नंबर डालिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग इंटर का पैन कार्ड नंबर का यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है बॉक्स, उसमें आप डालिएगा। अब यहाँ पर सही तरीके से डाल के कंटिन्यू करेगा, जैसे कंटिन्यू करेंगे तो पैन कार्ड वेरीफाई करेगा, साथ ही साथ आप लोगों का जो भी डिटेल्स है एज पर पैन कार्ड यहाँ पर सब कुछ शो कर देगा, जो कि मैंने हाइड किया हुआ है क्योंकि जो भी जिस भी भाई ने मुझे सेंड किया था उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि भाई मेरा चीजें मत दिखाओ, जो भी एड्रेस वगैरह है जो भी डिटेल्स है मेरा मत दिखाना, तो मैंने इसको हाइड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर चेकबॉक्स को चेक करके आप प्रोसीड करना। जैसे प्रोसीड करोगे तो आप लोग देख पा रहे हो नेक्स्ट पेज में कुछ बेसिक डिटेल्स लेगा, जो कि आपका फुल नेम ऑटोमेटिकली पैन कार्ड से उठा लेगा, आप लोगों को करने की जरूरत नहीं, ग्रीन टिक यहाँ पर हो चुका है। अब यहाँ पर आप लोगों का जेंडर पूछा जा रहा है, मेल हो फीमेल हो आप लोग सिलेक्ट करना। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ आप लोग यहाँ पर डालिएगा, स्टेटस आप लोग मैरिटल स्टेटस जो भी है मैरिड अनमैरिड आप लोग यहाँ पर सिलेक्ट करिएगा, पिताजी का नाम आप डालिएगा, उसके बाद प्रोसीड करिएगा। प्रोसीड जैसे करोगे तो आप लोगों से पूछा जा रहा है कि आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या है, आप जहाँ पर काम कर रहे हो वो किस तरीके का है, या सैलरी बेसिस पे काम करते हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो बिजनेस करते हो, तो यहाँ पर आप लोग कोई भी चूज कर सकते हो, सैलरी सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों को ही लोन मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, कुछ भी चूज कर सकते हो आपके हिसाब से, जो भी आप काम कर रहे हो, तो आप यहाँ पर नेचर ऑफ वर्क पूछा जा रहा है, आप जो भी काम कर रहे हो वो किस तरीके का काम है, तो यहाँ पर आप लोग अपने वर्क का डिटेल्स थोड़ा सा डालिएगा, क्या वो मैन्युफैक्चरिंग है, क्या वो सेल्स है, क्या वो आप लोगों का रिप्रेजेंटेटिव है, क्या है वो चीज आप लोगों को दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों का मंथली जो है ग्रॉस इनकम यहाँ पर पूछा जा रहा है, मंथली इनकम आप लोग कितना जो यहाँ पर कमा रहे हो, आप लोग घर पे कितना अमाउंट लेके जा रहे हो वो आप लोगों को डालने के लिए बोला जा रहा है। आप लोग यहाँ पर 18,000 मिनिमम डालिएगा। ठीक है, इसका जो है कंपनी का 18,000 मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अब चेकबॉक्स को चेक करिएगा, इसमें लिखा है कि आप लोगों का फैमिली का जो भी हाउस होल्ड इनकम है एनुअली वो 3 लाख से ऊपर होना चाहिए, तभी आप लोग इसको चेक करके आप लोग इसमें लोन अप्लाई कर सकते हो। तो ध्यान से आप लोग जिसको देखिएगा और प्रोसीड करिएगा। प्रोसीड जैसे करेंगे तो आप लोगों से यहाँ पर कुछ रेफरेंस जो है नंबर पूछा जा रहा है, जो कि यहाँ पर फैमिली का जो है यहाँ पर रेफरेंस नंबर पहले लेने के लिए यहाँ पर फादर मदर और स्पाउस का ऑप्शन आ रहा है, तो कोई भी आप लोग यहाँ पर चूज करके आप लोग यहाँ पर अपने कॉन्टेक्ट डिटेल से अपना फोन नंबर दे दीजिएगा,
सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये आरबीआई से लाइसेंस्ड है। हाँ, कुछ गलत काम करते हैं, लेकिन ऐसा भी कुछ गलत काम नहीं करेगा। अगर आप लोग आरबीआई में कंप्लेंट कर दोगे तो इनका जो है सही तरीके से ठिकाना लिख लग जाएगा, तो आप लोगों को डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग सही तरीके से नाम डालिएगा, मतलब जैसे ही नंबर डालोगे तो उसी से जो नाम सेव है वही वाला शो कर देगा। सेम उसी तरह का फ्रेंड का दीजिएगा तो तीसरा वाला भी फ्रेंड आप लोगों को देना होगा और प्रोसीड करना होगा। जैसे प्रोसीड करेंगे तो आप लोग नेक्स्ट पेज में देख पा रहे हो, आधार से जो है आप लोगों को वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। अब डिजी लॉकर के थ्रू आधार का वेरिफिकेशन जो है इजी प्रोसेस है, आप लोगों को कई बार मैंने दिखाया कैसा प्रोसेस है, तो मैं आप लोगों को फिर से तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जो है आधार कार्ड का नंबर डालने के लिए बोला जा रहा है, तो आप लोग आधार कार्ड का नंबर डालिएगा और नीचे जो कैप्चा कोड देखने को मिल रहा है वो वाला कैप्चा कोड आप लोग यहाँ पर डालिएगा और यहाँ मतलब इस जो भी कैप्चा कोड ये वाला बॉक्सेस में डालिए नेक्स्ट करिएगा। ठीक है, सही तरीके से डालिएगा। अब जैसे नेक्स्ट करोगे तो जो नंबर है और आधार से लिंक है उसमें एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आप लोग बॉक्सेस में डाल के आप लोग नेक्स्ट करना होगा। कंटिन्यू जैसे करोगे तो आप लोगों से कुछ परमिशन लेगा, जो कि परमिशन आपको अलाउ करना पड़ेगा। ठीक है, अलाउ कर दीजिएगा। अब यहाँ पर जैसे अलाउ करोगे तो आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर आधार जो है आपका सक्सेसफुली डिजी लॉकर के साथ जो है वेरीफाई हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आप लोगों को सेल्फी जो है यहाँ पर लेने के लिए कैमरा ऑन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। आज पर जैसा आप लोग कंप्लीट करोगे ऐसा जो है स्टेप्स आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब सेल्फी जो भी आएगा आप लोग जो है सही तरीके से लाइटिंग बैकग्राउंड देख के क्लियर इमेज आप लोग जो है इसमें फोटो खींचेगा। ठीक है, और यहाँ पर कंटिन्यू करिएगा। जैसे कंटिन्यू करोगे तो यहाँ पर देख पा रहे हो कि सेल्फी भी वेरीफाई हो चुका है और आधार का जो भी वेरीफाई हो चुका है। ठीक है, आप लोगों का बैंक अकाउंट जो है ऐड करने का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर आप लोगों को अपना आईएफएससी कोड डालिएगा, अकाउंट नंबर डालिएगा, कंफर्म करिएगा अकाउंट नंबर। ठीक है, उसके बाद जो है आप लोग अपना बैंक पे जो नाम लिखे हो वो वाला नाम आपको डालना पड़ेगा, पासबुक पे जो नाम लिखा है वही वाला डालिएगा। ठीक है, अब अकाउंट का टाइप जो है सेविंग्स करिएगा, यहाँ पर जो भी बाकी का ऑप्शन है उस पर सिलेक्ट मत करिएगा। जैसे प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पर नेक्स्ट पेज में देख पा रहे हो अब दो ऑप्शन आपको मिलेगा यहाँ पर आप लोगों को ईनेट सर्विस एक्टिवेट करने के लिए, नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड। तो सबसे आसान तरीका है डेबिट कार्ड, जो भी डेबिट कार्ड का पिन होता है वो वाला डालिएगा, एक्सपायरी डेट डालिएगा और सीवीवी पिन डाल के यहाँ पर एक्टिवेट करा लीजिएगा। कुछ परमिशन लेगा और एक्टिवेट हो जाएगा और उनके बैंक मतलब उनके अकाउंट से आपका जो भी बैंक अकाउंट है वो लिंक हो जाएगा, उसी पर जो है पैसा आपको ट्रांसफर कर जाएगा। ठीक है, तो सही तरीके से उसको करके आप लोग जैसे नेक्स्ट करोगे आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर वेलकम ऑन बोर्ड जो है लिखा आ चुका है। आप चीज की एलिजिबिलिटी हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा। जैसे टाइम लेगा आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर कांग्रेचुलेशंस, 50,000 का लोन यहाँ पर अप्रूवल हुआ है। अब डिसबर्समेंट अमाउंट आप देख सकते हो 47,200, टोटल इंटरेस्ट 18%, एनुअलाइज परसेंटेज रेट जो है 67%, और बाकी का जो है यहाँ पर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आप लोगों को 15 दिसंबर 2024 का देखने को मिल रहा है। अमाउंट कितना है वो देख पा रहे हो, 30 दिन के अंदर जो है आपको पेमेंट करना है ऐसा लिखा है। अब यहाँ पर आप लोग होम पे चले जाएगा, आप लोगों का लोन जो है यहाँ पर सेंक्शन हो चुका है। अब ये वाला पेज अगर आपको मिल गया देखने को, मतलब आप लोगों का लोन यहाँ पर अप्रूव हो चुका है। अब डिसबर्समेंट में आप लोगों को थोड़ा सा टाइम देखने को मिलेगा, 30 मिनट का वेट करिएगा। विद इन 30 मिनट उतना भी टाइम नहीं लगता, 15 मिनट के अंदर बैंक अकाउंट पे ट्रांसफर कर देगा पैसा और पैसे को आप इस्तेमाल करना। और जो भी डेट दिया जाएगा, जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हो कि 15 दिसंबर 2024 उस डेट पर पैसा आप लोग अपने बैंक अकाउंट पर डाल के रखिएगा, ऑटोमेटिकली डेबिट कर लेगा वो कंपनी अपने तरफ से। ठीक है, तो कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस इसी तरीके से आप लोग अप्लाई करना। जो भी प्रोसेस मैंने आप लोगों को दिखाया, आप लोगों को बड़ा अमाउंट जो है मिल सकता है यहाँ पर, आप लोग जो है जरूर ट्राई करना। अगर लोन मिलता है तो बहुत बढ़िया है। इस लोन एप्लीकेशन का नाम मैं बताता हूँ, इस लोन एप्लीकेशन का नाम जो कि आप लोगों को अभी के टाइम में लोन मिलेगा, जिसका नाम है किस्त। ठीक है, आप लोग एप्लीकेशन जो है प्ले स्टोर पे देखने को मिल जाएगा, किस्त एप्लीकेशन के थ्रू आप लोगों को लोन मिलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, सब्सक्राइब बटन प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए चलते रहो, टेक केयर, जय हिंद जय भारत दोस्तों।